भराडी गांव में स्थित देश के पहले वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर खास आयोजन किया गया। यहां किसानों के द्वारा बीजों और मिट्टी की पूजा की गई और वक्ता के रूप में युवा कृषक व एग्रीकल्चर स्टूडेंट अभिषेक पाल पहुंचे थे। कार्यक्रम में युवा कृषक अभिषेक पाल ने लोगों को जैविक खेती को अपनाने की अपील की ताकि बीमार धरती को स्वस्थ किया जा सके। भराडी गांव को गोद लेने वाली बलौदा जनपद की उपाध्यक्ष नम्रता राघवेंद्र नामदेव और किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने कहा कि आज जिस तरह से खेतों में रासायनिक खाद का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, इस धरती को चौतरफा नुकसान हो रहा है और मानव जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हमें जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। सर, सबसे पहले तो विश्व पृथ्वी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ किसान स्कूल स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार भी है जी के स्मृति में बनाए गए हैं और इसका संचालक दीनदयाल भैया हैं। तो यहाँ का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत अच्छे तरह से करते हैं यहाँ के लोग कार्य को, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर कि यहाँ आकर मिला हूँ सबसे, देखा हूँ कि मिट्टी का पूजा किए हैं, बीजों का पूजा किए हैं और आज अक्षय तृतीया है और विश्व पृथ्वी दिवस है और हम लोग तो जांजगीर ज़िला से है, छत्तीसगढ़ से, और किसान हैं तो किसानों के लिए आज के दिन में खेती करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ बीज बोते हैं तो यहाँ बीजों का पूजा करते हैं और भैया संरक्षण करके रखे हैं बीजों को, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, हमारे दीनदयाल भैया जो है लगातार जैविक खेती के लिए लोगों को अपनी ओर खींचते चले आ रहे हैं, इसमें युवाओं को भैया जोड़ रहे हैं लगातार और महिलाओं को भैया जोड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि केमिकल तो बहुत ही कम ही मात्रा में यूज़ करें या फिर नहीं करें, जब हम अपने घर से ही खेती पे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमारे बहराडी के स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में अक्षय तृतीया के दिन और विश्व पृथ्वी दिवस, माटी पूजन दिवस और आज के दिन खेती की शुरुआत होने की पावन दिवस के दिन हमारे किसान स्कूल बहराडी में पृथ्वी पूजन दिवस, बीज वितरण दिवस का शुभ अवसर है। आज का दिन हर दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष और बहुत ही शुभ दिवस है क्योंकि आज के दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। आज कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो काम छह नहीं होता, इसलिए आज का दिन अक्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन जो भी विवाह मुहूर्त होते हैं उनको किसी भी पंडित से लग्न की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही लग्न है जिसमें बिना लग्न के भी लग्न शादी हो जाया करती है। और आज के दिन हमारे किसान स्कूल में पृथ्वी पूजन दिवस मनाया गया, हम सभी किसानों ने, महिला समूहों ने मिलकर यहाँ पूजा किया और अपने क्षेत्र के किसानों के लिए और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी माता से हमने आशीर्वाद मांगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए वो सब निरंतर हमारा कार्य आगे बढ़े और जैविक खेती हमारे क्षेत्र में फले फूले। आज भारत के पहला किसान स्कूल बहराडी में आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और इस पृथ्वी दिवस में हम बीजों का पूजा किए हैं, मिट्टी का पूजन किए हैं और माटी पूजन के साथ में हम यहाँ पर किसानों को बीज भी वितरण किए हैं। और आज के हमारा जो कार्यक्रम है पृथ्वी दिवस, ये बहुत अच्छा है, अक्षय तृतीया के दिन हुआ है और आज के दिन किसान यहाँ पर माटी पूजन और बीजों का पूजन पश्चात आज के मुहूर्त में वो खेती की शुरुआत करेंगे। और खेती की शुरुआत में हमने उनको ये सलाह दिया है हमारे किसान अन्नदाता भाइयों को कि वो मिट्टी के बचाने में हमारे अभियान में वो जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का लाभ करें और रासायनिक जो खाद है उसको जो है दरकिनार करें। आज इस विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर किसान लोग खेती का शुरुआत जो करते हैं और आज बीज बोकर खेती किसानी का काम शुरुआत करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुंज बिहारी किसान स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस बड़े धूमधाम से मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत किए हैं, मनाए हैं। और हम किसानों को यही संदेश देते हैं कि जो आज पृथ्वी दिवस जो मनाया जा रहा है, आज हमारा धरती बीमार हो गया है क्योंकि हमने अंधाधुंध जो रासायनिक खाद का उपयोग किए और उसमें जो पैदावार लिए, उस पैदावार से हम जो आज भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस तरह से मनुष्य भी काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं इसमें। तो हमको ये संकल्प लेना है आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर
कि हम कम से कम रासायनिक खाद उपयोग कर हम धरती माता को बचाएं और ऑर्गेनिक खेती की ओर सब किसानों को आगे बढ़ाएं, यही हमारा संदेश। आज हमारे किसान स्कूल में आज पृथ्वी दिवस मनाए हमन और साथ हमन अक्ति दिवस भी मनाए हमन। ओमा हमन जो बीज के भी और मिट्टी के भी पूजा भी करे हमन, जो हमार हर महिला समूह में शामिल भी हो हवा ओकर साथ हम लोग बहुत खुशी हुई सवाए और हमारा ना बहुत अच्छा लगी सवाए और हर साल भी मनाबो हमन।